जब जब खबरें चलती हैं, कभी बनती कभी बिगड़ती हैं, फिर खुद ब खुद संवरती हैं, हर ताना बाना बुनती हैं। जब जब खबरें चलती हैं, तपिश कभी झुलसाती है, फिर बारिश बनकर आती है। खबरों के हर रंग में आपको रंगने आ गया है खबरें अभी तक। आपका चैनल आपकी आवाज। हालात कैसे भी हो, हादसा कहीं भी हो, जश्न हो मजहबी, खुशी या फिर आजादी, सबसे कराएंगे रूबरू सियासत की हर चाल पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें अभी तक, आपका चैनल आपकी आवाज। झूठ के खिलाफ सच की जंग आज भी जारी है। खबरों को हथियार बनाकर फिर से लड़ने की तैयारी है। मुद्दा हो, शख्सियत हो या हो कोई भी खबर, तटस्थ हैं हम, निष्पक्ष हैं हम। दिग्गज जिनका पेशा है आपको खबरदार करना, जिनका जुनून है आपके सरोकार के लिए लड़ना। खबरों की इस नई पहचान के साथ एक नई मुहिम, नए तेवर और एक नया आगाज। खबरें अभी तक, आपका चैनल आपकी आवाज। गांव की चौपालों से, कुश्ती के अखाड़ों से, जिले के चौराहों से, कस्बे के गलियारों से, राज्य के हर शहर से, बेखौफ और बेबाक अंदाज में अब निकलेगी हर आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये परिपाटी क्यों बन गई? कुछ नहीं तो विवाद बखेड़ा खड़ा होता है, लोग पर ये महाभारत क्यों छिड़ा हुआ है? बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ की, इंडिया पहला मुकाबला हार चुकी है। हाजिर होने पर खबरें पर्राटेदार अंदाज में। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल आपकी आवाज। बदल रही है सियासत, बदल रहा है मिजाज, सपनों के सौदागर खबरदार होशियार। आधी आबादी या नए खून के परवाह, हर चेहरे पे गुस्सा और तरक्की की आग, बदलाव की चाहत को आवाज की दरकार। हम बनेंगे बदलाव की आवाज, सिर्फ शोर नहीं असरदार आवाज। देखते रहिए खबरें अभी तक, आपका चैनल आपकी आवाज। खबरों का सिलसिला अब और रफ्तार पकड़ेगा, असर ऐसा होगा कि अन्याय पर शिकंजा जकड़ेगा। जनता के हक में अपनी हर मुहिम चलाएंगे, हम आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाएंगे। ना आधा सच ना आधी खबर दिखाएंगे, हम खबरों की एक मुकम्मल तस्वीर लाएंगे। खबर राजनीतिक घमासान की, खेल के मैदान की या खेत खलियान की, अब हर खबर की दस्तक होगी। हंगामा नहीं बस हकीकत होगी, ना रुकेंगे ना हटेंगे बस लड़ेंगे। देखेगा हरियाणा अब खबरों का एक नया अंदाज। खबरें अभी तक, आपका चैनल आपकी आवाज। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शमशेर खड़कड़ा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, दिनेश अग्रवाल जी बने हुए हैं, सुधीर चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ कैप्टन अजय यादव जो कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ बलराज सिंह मलिक जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं,
और ये सबसे युवा सरपंच भी रहे हैं हरियाणा में। खासियत ये भी है, पंचायती राज व्यवस्था में इनकी दिलचस्पी है, इनसे बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। कैप्टन साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ, खरखड़ा जी मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले बलराज सिंह मलिक जी, आज जो डेवलपमेंट है ये इसके तहत हमने पाया है कि 14 तारीख को अगली सुनवाई होगी, शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो बाध्यता है सरकार की तरफ से कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 10वीं पास होना है, एससी और महिला वर्ग के लोगों को 8वीं पास होना ज़रूरी है, इसके सहारे अब जो चुनौती दी गई है इसको लेकर, माफ़ कीजिएगा, सहारे के अलावा इसको जो चुनौती दी गई है उस पर अब अगली सुनवाई निर्धारित कर दी गई है। सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए थे कि अगले महीने की शुरुआत में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, तारीखों का ऐलान फिलहाल संभव नहीं दिखता है। क्या पंचायत के चुनाव लंबे टले? मलिक साहब, आपसे सवाल। देखिए, जहां तक शैक्षणिक योग्यता का मसला है, अगर कोई योग्यता फिक्स भी करनी थी तो अपोजिशन को और लोगों की राय लेके ये करना चाहिए था, और वक्त से काफी पहले कर देना चाहिए था सबकी सहमति से। और अगर सहमति नहीं हुई तो शैक्षणिक योग्यता का अड़ाना इस तरह से, ये मैं कहता हूँ राजनीतिक भ्रष्टाचार है। लोकतांत्रिक संस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है निचले लेवल पे, लोवेस्ट टायर डेमोक्रेसी का है तो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वहाँ अगर डेमोक्रेसी का हनन होता है तो देश का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक नुकसान होता है ये। और रही शिक्षा की बात, जितने शिक्षा ज़्यादा शिक्षा वाले लोग हैं उतना बड़ा भ्रष्टाचार राजनीति में हुआ है। ये जितने बड़े भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में राज्य सरकार में होते हैं वहाँ के MLA चीफ मिनिस्टर अनपढ़ नहीं होते, कम पढ़े लिखे नहीं होते, वो पढ़ने के बावजूद ज़्यादा भ्रष्टाचार करें। पढ़ने का, डिग्रियों का होना और भ्रष्टाचार, राजनीतिक जीवन साफ स्वच्छ होगा इससे कोई लेना देना नहीं इस बात का। और शैक्षणिक योग्यता रही बात उसकी, 8वीं अगर पास महिला है, काफ़ी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश में भी है तो वो आदमी नहीं समझ सकता, समझाने वाले और ही होते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, दूसरे साथी भी हो सकते हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आया कोई समझदारी वाला फैसला है। अगर करना भी था तो अगले चुनाव, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह आपकी टिप्पणी हुई, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जिस तरीके से मामला चल रहा है इसमें अब क्या गुंजाइश है, कब तक चुनाव संभव है? मैं तो ये कहता हूँ कि इमीडिएट ऑनरेबल हाई कोर्ट को इसलिए इमीडिएट इसको डिसमिस करना चाहिए मामले को, और या कॉग्निजेंस लेके इमीडिएट डे बाय डे सुनवाई करके इसको रिजेक्ट करना चाहिए कि किसी भी फैसले में लोकतांत्रिक तरीका होना सबसे पहले, रूल ऑफ लॉ की। हमारी जानकारी को और दुरुस्त करिए आप, राजस्थान मॉडल तो सफल रहा, वो कैसे हुआ था? राजस्थान मॉडल का ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, मगर हरियाणा के पंचायती राज नहीं एक वहाँ पे भी चुनौती दी गई थी इस तरीके का जब प्रोसेस चला था, लेकिन वो चुनौती खारिज हो गई। नहीं, उसका लिए क्या था, हाँ, कि इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, हाँ, हाँ, उसके बाद उन्होंने केस डाला तो कोर्ट ने कहा कि हम इलेक्शन जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उस बीच में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वो पहले डाल देते तो उसमें कोर्ट जरूर इंटरफेयर करता। और आप कह रहे हैं कि मॉडल सक्सेस हुआ, अब देखिए अब यही बात हमें समझ में आपने कहा कि मॉडल सक्सेस हो, कहां सक्सेस हुआ, 14 पंचायतें कैंड योर इंफॉर्मेशन खाली है आज। हाँ, मैं तो जानना चाहता हूं 14 पंचायतें खाली हों कैसे, ये तो लोकतंत्र किन कारणों से खाली है, किन कारणों से खाली, क्योंकि वहां पर कोई एलिजिबल ही नहीं था। ठीक, एलिजिबल नहीं था तो खाली था, लेकिन जो सही है और जो गलत है इसको लेके न्यायालय हमारी जो है वो सक्षम है, न्यायालय कि वहां पे वो पाबंदी लगा सके, लेकिन चूंकि प्रोसेस में चीजें आ गई थी तो उसको होने दिया, लेकिन गलत अगर सारा कुछ होता तो प्रोसेस में होने के बाद भी कोर्ट उसमें संज्ञान ले सकती थी, गलत तो नहीं कह रहा उनका, सिर्फ आप उनका वो पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, हाँ। उनका ये था कि इलेक्शन प्रोसेस में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। और रही बात, ये इसमें क्लियर करता हूँ आपको, हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो देश के लिए लॉ है, ठीक है। अगर इलेक्शन प्रोसेस एक बार शुरू होता है, हाँ, हाँ, उसको रोकने का कानून नहीं है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया हुआ है, और भी इसमें जब भी किसी ने इस तरह के केस सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसमिस किया है कि इलेक्शन प्रोसेस वंस स्टार्टेड कुड नॉट बी स्टॉप्ड, एक बार चालू हो गई रोक नहीं सकते, ये लोकतांत्रिक हो जाएगा, इस तरह तो देश में कोई इलेक्शन नहीं होगा, चंद सिरफिरे सो कॉल्ड राजनेता देश की राजनीति को उलझाने के लिए ऐसा करते रहेंगे, हाँ, इसीलिए ऐसा, हाँ, जरूरी भी है। नहीं तो अब एक बात बताइए, एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी जानना चाहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है प्रोसेस शुरू हो गया, चाहे वो गलत है या सही है, लेकिन शुरू हो गया तो उसमें दखल नहीं दी जा सकती है, यही कहना है ना आपको, क्योंकि इसको आधार बना के आगे भी चीजें बिगाड़ी जाएंगी। तो अगर जिस तरीके से आज आप लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ गलत है, वैसा राजस्थान में भी गलत हुआ होता तो प्रोसेस खत्म होने के बाद भी तो इस पे सुनवाई हो सकती थी। नहीं, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 8वीं करना इतना ज्यादा गलत फैसला नहीं, 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 मैं उससे तुलना कर रहा हूँ, हाँ, इतना गलत फैसला नहीं है, हाँ। इसमें क्या है, कोई भी फैसला घर में भी करें, सबकी सहमति से करें तो स्मूथ चलता है सिस्टम, ठीक।
और खाली आठवीं और दसवीं योग्य सरपंच पंच हो जाएंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी, ये कोई पैमाना नहीं, ये कोई आधार है ही नहीं। शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई बहुत सवाल नहीं उठा रहा, मैं आप ही की तरह आ रहा हूं। क्या सरकार बहुत जल्दबाजी में रही है जो आज इतना सुनना पड़ रहा है, इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं? देखिए, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं की थोड़ी सी बात मैंने सुनी, पूरी नहीं सुन पाया, पूरी वही बातें हैं जो लगातार आरोप लगाए जाते रहे। इसका लब्बो लवाब ये बता दूं कि इसकी शुरुआत कहीं से होनी थी। इस तरह के जब भी कभी शैक्षणिक योग्यता, ये पहली सीढ़ी है पंचायत। मैं भी मेरे गांव का सबसे युवा सरपंच रहा हूँ 27 साल की उम्र में, जी जी, और 6000 वोटों के गांव का सरपंच रहा हूँ। ये राजनीति की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी को शैक्षणिक योग्यता के दायरे में लाएंगे तो आवाज उठाएगी जनता की, आवाज ही प्रजातंत्र में कानून बढ़ती है। जी हाँ, शराबबंदी लोगों ने आवाज उठाई, बंसीलाल को उसको लागू करना पड़ा, तो आवाज उठेगी कि भाई हम सरपंच और मेंबर पढ़े लिखे हैं तो एमएलए पढ़ा लिखा क्यों नहीं, एमपी पढ़ा लिखा क्यों नहीं। तो निश्चित रूप से आज जो बात कोर्ट की आई, जो लटकाने की बात आई, जो तरह तरह का विपक्ष जो है जिसको कहने के लिए कुछ न कुछ कहना है कि भाई सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती, भाई सरकार ने तो चुनाव की घोषणा कर दी, सरकार ने शैक्षणिक योग्यता की जो व्यवस्था परिवर्तन की मोदी जी का वादा था, खट्टर जी का वादा था प्रदेश से, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक अच्छी पहल है, ये हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए और ये स्वागत योग्य फैसला है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि भाई ये कहीं ना कहीं जो आज रुकावटें हैं, कोर्ट की है, कोर्ट की डेट है, वो चुनाव एक महीना लेट होंगे, 20 दिन लेट होंगे, 10 दिन लेट होंगे, नहीं होंगे। सरकार ने कहा 2 तारीख को हम कानून बना देंगे और कोर्ट को बोल दिया वो 14 अगस्त जाके वो कानून की प्रति पेश कर देंगे, उसके बाद कोर्ट जो संज्ञान ले। मैं ये नहीं कहता 14 को ही फैसला हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि ये चुनाव सितंबर या अक्टूबर में हो जाएंगे, हो सकता है मे भी डिले, क्योंकि कोर्ट सर्वोच्च है और प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। लेकिन इस देश में एक अच्छी प्रक्रिया और अच्छी शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ेगी, अच्छी बात, नंबर एक। नंबर दो, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा इस विषय को लेके कि 14 पंचायतें ऐसी हैं जहां खाली रहेंगी, अरे बड़ा अफसोस है, मैं पिछले 10 साल से नंबर वन हरियाणा सुन रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का देश में नंबर वन है, नंबर वन हरियाणा, अभी सुनते हैं, सुनते हैं, राजस्थान का बताया, पूरी बात सुन, चलो मैंने पूरी बात से कोई लेना देना नहीं था, पूरी बात हरियाणा में भी ऐसी हो सकती है, हरियाणा में भी ऐसी हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है इन चीजों को लेके क्या हम एक अच्छी व्यवस्था परिवर्तन की ओर जो सरकार बढ़ रही है, प्रदेश की सरकार बढ़ रही है, क्या उसमें हम रोक दें, क्या उस प्रक्रिया को ना करें, या शिक्षा को महत्व ना दें, फिर जो है फिर किस बात की दुआई दी जा रही है कि वे साक्षर हो, साक्षरता अभियान चलाओ, गांधी जी ने जो है देश आजाद होने से पहले साक्षरता अभियान चलाया, हमारे इस देश के जो भी नीतिकार रहे उन्होंने शिक्षा पे बल दिया, आज शिक्षा का जो महत्व दिया गया खासकर उन संस्थाओं में जिनको प्रदेश चलाना है, जिनको गांव चलाना है, जिनको ब्लॉक चलाना है, जिनको जिला चलाना है, वहां से एक शुरुआत पहली पीढ़ी की सफाई से होने लग रही है, पहली सीढ़ी की, तो इस तरह का विरोध गैर वाजिब है, ठीक है सर, और ये आपकी बात जो है गैर सामाजिक है, और गैर लोकतंत्र। देखिए, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है शमशेर जी, ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना की जा रही है, पढ़ा लिखा समाज हो, पढ़ा लिखा तंत्र हो, इससे बढ़िया और क्या होगा। मैं आप सभी के पास आता हूँ, दिनेश जी आऊंगा, कैप्टन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कैप्टन अजय यादव जी, कैप्टन साहब आप सुन रहे हैं हमें? मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी सर। बहुत सीधा सा तर्क दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शमशेर खरकड़ा जी हैं इस चर्चा में, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो और इसी नारे के साथ हम आए थे, इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, अब इसमें कुछ उलझनें आ रही हैं तो इसको लेकर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, इसको किस इंटेंशन में लिया जाए। आप लोगों का कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव को खिसकाना चाहती है, खिसका के भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? ऐसा ना, एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे,
और लोकतंत्र में जो चुने हुए लोग हैं, जब उनसे चार्ज दे लिया गया, वीडियो सारा काम करेगा, अपनी मर्जी से जो चाहे वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चीज लागू करनी है तो पहले विधानसभा में लागू करें, जो एमएलए और एमपीज हैं उन पे लागू करें। भाई ये काम ऊपर से अपनी पहले अपने ऊपर लागू करें। अब इनके पास ऐसे ऐसे विधायक है जो पास ही पास है, आप ये सोचिए कि पहले लागू करें एमपीज और एमएलए के ऊपर, उसके बाद पंचायत पे करें। जब अपने ऊपर तो लागू करते नहीं है और पंचायत पे आप लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है लागू करें, लेकिन पहले अपने ऊपर लागू करें ना, उसके बाद आप पंचायत पे लागू करें। बात है, ये एक बात है, इन्होंने इसके लिए भी जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, आगे वो भी बदलेगा। तो शुरुआत अपने से करें ना, आप शुरुआत, और फिर कम से कम थोड़ा वक्त देते, छह लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया था, लोगों ने ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत खर्चा कर दिया, पोस्टर छपवा दिए लोगों ने। एक आरोप है सर, एक आरोप ये भी, आपके तमाम सीनियर लीडर, आप भी सीनियर लीडर हैं, आप लोग भी ये दलील दे रहे हैं, आता हूं दिनेश जी मैं आपकी तरफ, ये कह रहे हैं कि इसको खिसका के भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। अभी आप बोल रहे थे कि बिहार चुनाव का कोई मामला बनता है। नहीं नहीं, ऐसा है ना, मैं ये कह रहा हूं, ये चाहते हैं, इनका मकसद केवल यही है कि बिहार का चुनाव हम देख लेते हैं, उसके बाद हो सकता है इनकी वहां पर क्या परिणाम निकलते हैं, उसके बाद फिर ये अपनी इनको मालूम है। और मैं आपको आज ही भविष्यवाणी करता हूँ, बिहार में ये मौके खाएंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक बात जा चुकी है कि मोदी साहब जो हैं वो केवल बड़ बोले हैं। अच्छा। जो बात ज्यादा बोलते हैं करते कुछ नहीं है, केवल फॉरेन विजिट्स में घूमते रहते हैं, उनको एनआरआई पीएम के नाम से लोग अब कहते हैं आजकल। अच्छा। आम मजाक होने लग गया। लालू जी के लिए क्या कहते हैं? देश के किसान मजदूर के लिए समय नहीं है, लेकिन बाहर विदेशों के लिए समय है इनके पास जी। और जो वायदे किए थे वो पूरे किए नहीं, ना तो कमा सा वापिस आया ना, और भूमि अधिग्रहण जो है जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं पिछले दरवाजे से, और जितने भी जो भी वायदे किए थे, काला धन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज उस पे कभी और चर्चा, अभी हमें पंचायत पे कंसंट्रेट करना है। सर निवेदन है आपसे, आप बन रही है हमारे साथ, राज्य सरकार के एक मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लूं मैं, उसके बाद फिर मैं आता हूं आप लोगों की तरफ। आपको मौका मुझे देना है, क्योंकि आप ही की बात है कि इन चुनावों को देर सवेर करके, मतलब देर करके लटका के भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है, और ये मैं जानना चाहता हूं कि वो कैसे फायदा होगा। कृष्ण बेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कृष्ण बेदी जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी भाई साहब प्रणाम। प्रणाम सर। सवाल ये है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, ये आज हमने देखा कि अगली तारीख 14 सितंबर मुकर्रर हो गई, लेकिन इससे पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा और भी विपक्षी लोग हैं, उनका कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव चाहती ही नहीं है, इसलिए ये तो होना ही था। अब संयोग देखिए कि उनकी बातें जो है नई तारीख से टैली कर गई, क्या समझे हम इसे? मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। जी सर। कि आप चैनल पे लगातार डिबेट चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के पंचायती चुनाव को टालना चाहती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, मैं ऐसा नहीं, ये लोग जो भी लोग डिबेट में हैं। हाँ हाँ, मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमने तो अक्षर ज्ञान की बात की थी कि हमारे जो सबसे छोटी इकाई है, लोकतांत्रिक इकाई है, डेमोक्रेसी इकाई है पंचायत जी, और पंचायत के बाद विधानसभा और लोकसभा होती है, तो हम पंचायत में जो लोग चुन के जाएं कम से कम उनको अक्षर ज्ञान हो, हमने केवल ये विषय उठाया था। और चुनाव को लेट करने के लिए आप अथेंटिक बात अशोक अरोड़ा जी की मान रहे हैं, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात मान रहे हैं, आप अन्य लोगों की बात को मानते हैं, अगर उनकी बात मानते तो हम आपसे एडजस्टमेंट जी, तो कोर्ट के अंदर हम गए हैं या कौन गया कोर्ट में, आप इसको चेक कीजिए, लेट कौन करना चाहता चुनाव। मैं ये कह रहा हूँ कृष्ण बेदी जी कि अगर हम उन्हीं की बात, मेरी बात को सुनिए। हाँ। आपने सीधा सीधा आप लोगों ने ब्लेम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाहती है। हाँ। हम तो चुनाव को करना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर कौन गया, माननीय कोर्ट के आदेशों की हम कैसे अवहेलना करें? ठीक है। अब एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो फिर समस्या होगी। ये इंडिया में गए, ये कांग्रेस के लोग चुनाव से भागना चाहते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही लोगों की बातों पर मैं उनसे प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। कृष्ण बेदी जी, पहली बात तो ये कि किसी की बात मानी नहीं जा रही है, अगर विपक्ष की बात ही मानी जाती तो फिर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं चैनल पे नहीं कर रहा बात, मैं पैनल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल पे ले रहे हैं, मैं पैनल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैनल पे ही बात हो रही है। दूसरी बात ये है
कि एक आरोप विपक्ष का यह भी है कि अगर आपको शैक्षणिक योग्यता का कानून या बाध्यता लानी ही थी तो ये इसकी तैयारी आपने पहले क्यों नहीं की, आपने जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया? तो किस समय कराते हैं हम तैयारी इसकी? जब वक्त था आपके पास। कौन सा वक्त था? इसके पहले सरकार के फॉर्मेशन के बाद जो वक्त था। मैं आपको दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, आस्था रखती है। हम पंचायती चुनाव को करना चाहते हैं। कोर्ट में कौन लोग गए उन लोगों को नंगा करने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि ये लोग कोर्ट की अवहेलना की जाए किसी बात को। माननीय कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया हमने उसके ऊपर प्रतिबंध है, परंतु कोर्ट में गया कौन? भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार के लोग नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी को विधायक नहीं गया, गए हैं विपक्ष के लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव से भागना चाहता है, अभय सिंह चौटाला चुनाव से भागना चाहता है, चुनाव से भागना चाहता है। बेदी साहब केवल दो बातें आप बता दीजिए, हम आपकी सारी बातें मान लेंगे। जी, शैक्षणिक योग्यता का जो आपने पैमाना तय किया, मैं मानता हूँ ये मैट्रिक और आठवीं बहुत कम है, आपको बल्कि ये बीए और प्लस टू रखना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है वो सब जानते हैं कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से किस तरीके से बच्चों को अगली क्लास में चढ़ा दिया जाता है बिना पास हुए। और जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने हमारे बच्चे जाते हैं तो उनके मार्क्स 10% कट कर दिए जाते हैं। परंतु मेरा आपसे निवेदन यह है, जब आपका एक सीपीएस जो पंचायती राज के सीपीएस है वो अंडर मैट्रिक है, तो आप एक सरपंच के ऊपर ये योग्यता थोप रहे हैं कि वो मैट्रिक होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपकी सुनिए मैं मेरा केवल एक आखिरी प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि व्यवस्था परिवर्तन, हाँ दे देना, आप दे देना, मेरे पूरा हो जाना दो। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की अगर बात करती है तो आप मई के अंदर देश के अंदर लोकसभा के अंदर आप जीत कर आए और केंद्र में आपकी सरकार बनी। सवाल को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव से पहले जब आपने 5000 वायदे जनता से किए तो एक बात यह भी जोड़ देते कि हम हरियाणा प्रदेश में आने वाले चुनाव में जो सरपंची के चुनाव होंगे अगर भाजपा की सरकार आई तो हम शैक्षणिक योग्यता लागू करेंगे। जी, आप ये बात अपने उसमें मैनिफेस्टो में कहते और इन नाम में आपने पढ़ा है क्या? आपके मैनिफेस्टो में आपने पढ़ा है? हमने पढ़ा है, आपका पढ़ा है, उलझाइए नहीं चर्चा को। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहीं इस बात का हवाला नहीं दिया कि हम जो सरपंची के चुनाव कराएंगे, पंचायतों के चुनाव कराएंगे, उसके अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू उलझाइए नहीं चर्चा। दूसरी बात, आपने कोई सर्वे सवाल लंबा हो रहा है, आपने कोई जनमत संग्रह नहीं किया, आपने सीधा लोकतंत्र का गला घोट दिया। आपकी एक अब जवाब सुनते हैं, सवाल हो गया, आरोप आपने लगा दिए, अब उस पर जवाब ले लेते हैं। आता हूँ शमशेर जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं माननीय आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब की तारीफ। ये दिनेश अग्रवाल है, इंडियन नेशनल। अच्छा, दिनेश जी हैं? दिनेश जी, जी भाई साहब, दिनेश जी आप हमें कहते हैं कि आपने 5000 वायदे घोषणा पत्र में किए हैं। जी, आप 5000 की तो बात छोड़ दीजिए, यदि आपने बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ाया तो उसकी 5 बिंदु पे आप बता दीजिए। 20 बिंदु तो वो बता दूंगा जो पहले क्रम से आपने पूरे इसको लेके हम ना लड़े। हाँ, मैं फिर दोबारा मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। हाँ, गाड़ी दूसरी तरफ को चल पड़ेगी, बोलिए। आपने चैनल से जोड़ा है, मैं उस मुद्दे पर दोबारा आ रहा हूँ। जी, मेरा कहना मात्र एक है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, डेमोक्रेसी सिस्टम से और प्रजातांत्रिक तरीके से देश को चलाना चाहती है, और प्रजातंत्र के अंदर चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और हम किसी भी कीमत पर इन चुनाव को टालना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हमेशा फेस करती है। 1952 के अंदर जब जनसंघ बनी थी, हम तो तब भी चुनाव लड़ते थे, लगातार हारते थे। कब तक होंगे? हरियाणा के अंदर लगातार 48 साल कब तक होंगे चुनाव? 48 साल के बाद हम सत्ता में आए, आज हम चुनाव से क्यों भागेंगे? कब तक होंगे चुनाव? चुनाव मान्य उच्च न्यायालय का जी, ज्यादा अड़चन ना हुई तो हम ठीक समय पर चुनाव करने के मूड में, हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम हर प्रकार की बात के लिए तैयार हैं। और ये लोग बेवजह कोर्ट के अंदर जाकर इन्होंने लिंगर ऑन करने का काम किया, चुनाव को लेट करने का काम किया, चुनाव को लेट करने के लिए लोग शमशेर जी से बात करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया कृष्ण बेदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। कृष्ण बेदी जी हमें कह रहे थे कि कोर्ट की तरफ से अड़चन ना हुई तो चुनाव समय पे होंगे। कोर्ट की तरफ से अड़चन होती है क्या? शमशेर जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरे दोस्त ने जो बात कही कि जहां तक इन्होंने सवाल उठाए, कई सवाल उठाए, मैं सबका जवाब देना ठीक नहीं समझता, लेकिन इस चर्चा में दो महत्वपूर्ण सवाल आए जो कैप्टन अजय सिंह यादव ने उठाए। एक तो उठाया कि बिहार के चुनाव का असर पड़ेगा इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को टालना चाहती है।
कोई भी पार्टी हरियाणा प्रदेश की अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही। गांव के चुनाव गांव की परिस्थिति और गांव के वातावरण में होते हैं, गांव के हिसाब से होते हैं, कभी पार्टियों के नाम पर चुनाव नहीं होते। इसलिए इस चुनाव का बिहार चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक बात और कही थी कि एमएलएज पर लागू क्यों नहीं किया, अरे ये जो खीर थी जो बता रहे हो आप बहुत मीठी है, आपने कहा शैक्षणिक योग्यता लागू करना चाहिए कैप्टन साहब, ये 10 साल आप लगातार ऊपर नीचे सरकार में थे, आपने लागू क्यों नहीं कर दिया, आज हमने लागू करने की शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, तो आप उसके अंदर खामियां निकाल रहे हैं, उसके अंदर आप अड़चने लगा रहे हैं। जहां तक प्रजातंत्र का गला घोटने का ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता हूं अगर सरकार इसको लटकाना चाहती तो 2 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुला के कोर्ट में कानून बनाने का वादा ना करती और सारी प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। जैसा कृष्ण बेदी जी ने कहा हम चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जल्दी से जल्दी समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं। आप और जो नहीं कहा कि आप राय के समय पर चुनाव बात कर रहे थे, सबसे सलाह करने की बात कर रहे थे, अब इन सब पार्टियों को और सब नेताओं को मैं ये सलाह देता हूं, इनसे मैं ये सलाह करता हूं कि अड़चन ना डालने, ना कोर्ट में जाएं, ना डलवाएं, चुनाव समय पर होने दे। लेकिन बात तो यही है ना कि आप लोग समय पे चुनाव कराने की बात कह रहे हैं फिर भी चुनाव में देरी हो रही है। सुधीर जी शमशेर जी, सुधीर जी, बीजेपी के मंत्री और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम प्रजातंत्र, हम लोकतंत्र के साथ हैं, सिर्फ अड़चन ये लोग डाल रहे हैं। आपको मैं बताऊं 61% हरियाणा में, शमशेर जी तो सरपंच रहे हैं बता रहे थे, इन्हें पता होगी गाँव की हालत, 61% मेल हैं जो अंडर मैट्रिक हैं और महिलाएं हैं 82%, और एससी जो मेल है वो 62% है और 83% महिलाएं, टोटल मिलाकर 71% का क्या मतलब है, 71% का क्या मतलब है, चार लोगों में से जो चार लोगों में से एक को मौका दे रहे हैं। एक बार फिर मुद्दे पे हम जाएंगे, अगर अगर जड़ छोड़ेंगे सर, शिक्षा में इनको क्या करना, बलराज सिंह मलिक की एक बार मेरी बात जोड़ दें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जोड़ दें, सारे एक साथ कह रहा हूं, हम शिक्षा खिलाफ नहीं है, कट ऑफ ईयर होना चाहिए कि इस साल से अब जो नया बच्चा आएगा 2000 से या 1995 से उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, चार आदमी में से आप एक को मौका दे रहे हैं, तीन का गला घोट रहे हैं, ये कौन सी लोकतंत्र है, तीन आदमी को गला घोट रहे हैं। बाद भी इस देश में आप सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है। बलराज सिंह मलिक जी, एक बहुत जरूरी बात हमें जाननी है, एक कानूनी बात जाननी है सर, कानूनी बात। हमारे साथ दो मेहमान ऑलरेडी फोन पे जुड़े हुए हैं, प्लीज निवेदन है आप सबसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, प्लीज आपको बोलना है, आखिरी लाइन आपकी सुनेंगे हम, बाकियों की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है सर, अगर वो बात रह जाती है चर्चा अधूरी रहेगी। बलराज सिंह मलिक जी, एक तर्क दिया जा रहा है कि सरकार कानून बना के फिर कोर्ट में जाएगी, उसके बाद सरकार को कितनी आसानी होगी, कोर्ट में फिर क्या हो सकता है, तारीखों को लेकर हम क्या समझें, क्या माने, क्या इंतजार करें, मानसून सत्र में एक ही बात जो कही जा रही है, मेरे इंडिपेंडेंट कानूनी बात, मेरी इंडिपेंडेंट राय तो ये है 11th आवर पे कोई कानून बनाने की चेष्टा होनी ही नहीं चाहिए सरकार के द्वारा, ये बेवकूफी हो गया। चलिए ये आदर्शवादी बात है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो इसमें लोग कोर्ट में जा ही सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में खाली वोट देना ही अधिकार नहीं होता, प्रतिनिधित्व करना भी उसका अधिकार होता है, इससे बहुत बड़ा तबका प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से वंचित होता है, यह लोकतांत्रिक तरीका है। और रही शिक्षा की बात, आप साक्षरता पे ध्यान दें, स्टेट में शिक्षा लोग ग्रहण करें उस पर ज्यादा ध्यान दें, और ये इलेक्शन स्मूथली होने दें उसी आधार पे, और इन फ्यूचर बीच में आगे आप अगर आपके मतलब कानून बनाने के बाद परिस्थितियां दूसरी दिख सकती हैं हमारे सामने। हाँ जी, कानून सरकार बना देती है तो परिस्थितियां दूसरी हो सकती है। कानून इतना जल्दी बनाने में तो कुछ ना कुछ इसमें ये नजर आता है कि पॉलिटिकल कुछ करप्शन है, कुछ गड़बड़ है माइंड में। ठीक है, पॉलिटिकली भी शांत नहीं रहने दिया जाएगा। अनिल आर्य जी मेरे एडिटर इन चीफ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। अनिल जी आप सुन रहे हैं हमें? जी जी। पूरी चर्चा में विपक्ष का लगातार यही कहना है कि सरकार इस नियत के साथ काम कर रही है कि चुनाव टले, उससे उसको लाभ होगा, पार्टी को लाभ होगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए अड़चने आ रही हैं उसे निपट के हम जल्दी चुनाव कराएंगे और जो होगा वो आइडियल माहौल हमारे सामने होगा। पूरी चर्चा इस तरीके से रही, पूरी खबर आपके सामने है।
अब फिलहाल जिस स्थिति में ये पूरा मामला पहुंच गया है, आपको आगे क्या नजर आता है? मनीष, सरकार का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, अच्छी बात है कि हमारे लोकतंत्र की जो प्रथम पायदान है, पहली स्थिति है, वहाँ हमारे प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए, एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब जबकि चुनाव बिल्कुल सिर पर थे, 25 जुलाई को जब पंचायतों का समय खत्म हो चुका था, चुनाव होने चाहिए थे, उस वक्त जब ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं या ये सत्ता लागू करने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप अब करते हैं, इसको करते अगले चुनाव में लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा भी आंकड़े दिए जा रहे थे, अगर हर 4 में से 3 का मौका इस विधेयक की वजह से चला जाता है, इस कानून की वजह से चला जाता है, तो ये कहाँ की डेमोक्रेटिक चीज है? हम लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं कि लोकतंत्र को और बढ़ा रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे प्रतिनिधि होने चाहिए, सिर्फ टाइमिंग का फेर है। अब बाद में इसको कर लेते, अब करने की जरूरत नहीं थी। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव टालना चाहती है, सरकार की मंशा चुनाव टालने की है या नहीं, ये सरकार के लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन जो संकेत मिलते हैं, जब पता था इनको 8 महीने से कि 25 जुलाई को चुनाव ग्राम पंचायतों का, पंचायत पार्षदों का समय खत्म हो जाएगा जिला परिषद का, फिर इन्होंने तमाम चीजें पहले शुरू तो नहीं करी। आपने चुनाव उनका समय खत्म हो जाने दिया, उसके बाद आप ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप चुनावों को टालना चाहते हैं? लग ये रहा है कि शायद अभी चुनाव टल गए, अब 14 सितंबर को चुनाव होगी, उसके बाद क्या होगा ये कोर्ट रिव्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपने कानून अगर बना भी दिया, क्या उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जैसा मलिक साहब कहते, कुछ खामी हो सकती है, जल्दबाजी में जब भी कुछ होगा उसमें गड़बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कैप्टन अजय जो बात आज कर रहे थे कि बिहार चुनाव, ये बात तो कई दिन पहले कह चुका हूँ कि बीजेपी के ऊपर ये दबाव है। हरियाणा में ग्रामीण अंचल में तब मोदी की लहर में बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आज की जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और बेंगलुरु में जो जीत मिली है, वो स्थानीय निकाय चुनाव, निगम चुनाव में, शहरों में बीजेपी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ भी निकाय चुनाव, निगम चुनाव जब होंगे तब वास्तविक स्थिति पता चलेगी। आज हकीकत ये है कि ग्रामीण अंचल में बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भले ही आप चुनाव सिंबल पर लड़े या ना लड़े, कोई पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी, लेकिन सबको मालूम होता है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में कौन व्यक्ति किसके साथ खड़ा है। जो पंच चुना है, जो सरपंच चुना है, वो किस पक्ष का आदमी है, तो तमाम चीजें ऐसी है जो माहौल को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। और सबसे बड़ा संकट जो बीजेपी के सामने दिया है, 28 सितंबर से जाटों ने आरक्षण आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, फिर आपकी बात कर रखी है। गुजरात में जो पटेल आरक्षण को लेकर बवाल हुआ है, वही बहुत कुछ मुझे लगता है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में आपको एक अलग सा संघर्ष दिखाई देगा। अगर सरकार जरा भी उपचुक करती है तो सरकार के लिए घातक होगा, प्रदेश के लिए घातक होगा। मैं अब भी ये मान के चल रहा हूँ, मैं आशान्वित हूँ कि शायद सरकार चुनाव 14 सितंबर के बाद समय से कराने की बात करे, वो सरकार के हित में इसलिए भी है कि अगर पूरे हरियाणा को पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में उलझा दिया तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा है ये शायद कुछ और लिंकरण हो जाए। मतलब इसमें रणनीतिक का स्टैंड आप देख रहे हैं। अजय यादव जी, कैप्टन साहब आप सुन रहे हैं हमें? कैप्टन अजय यादव जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? बहरहाल दिनेश अग्रवाल जी, सुधीर चौधरी जी, आपके नेताओं ने ये बात कही है कि सरकार की तरफ से अगर सर्वदलीय बैठक करके इस पर विचार किया जाता तो बेहतर रहता, अब सरकार ऐसा कुछ करती है तो आप लोग कितना कोऑपरेट करेंगे? देखिए मनीष जी, पंचायती राज एक्ट 1994 का आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है जहां आपको वोट देने का राइट है वहां आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। आप तुरंत फुरत के अंदर एकदम कोई नई चीज लाकर आप लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अगर आपको सेक्शन, मैं मानता हूं हमारे देश के अंदर उम्र की सीमा है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 साल है, सांसद के लिए मतलब पिक्चर क्लियर, विधानसभा में शांति से काम नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि आपको हरियाणा की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, ग्रामीण अंचल की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, एक बात केवल आखिरी में जोड़ रहा हूं इसके अंदर कि इसी पंचायती राज के अंदर कानून आया था कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता। उस समय सिर्फ मेरी एक समय कम है, बाकियों का भी ध्यान रखिए, 34 सेकंड की बात है मेरी। उस समय भी ये बात आई थी कि व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, ये बात देश की लोकसभा और विधानसभाओं में भी लागू होगी,
लेकिन नहीं हुई। बीजेपी ने हरियाणा में लोकतंत्र प्रणाली की हत्या करी है और हम ये ऐसा नहीं होने देगी हमारी पार्टी। कैसे? जब तक ये बहाल नहीं करेंगे, जब तक लोकतंत्र प्रणाली बहाल नहीं होगी, जब तक हमारी पूरी लड़ाई रहेगी, चाहे हमें रोडों पे आना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में। सत्र में शांति तो नहीं दिख रही है। आखिर में आता हूं, योग आप कर रहे हैं मलिक साहब। मैं बल्कि सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों को, हरियाणा को और सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको करना ही है, सारे मिल के काम कर सकते हैं। हरियाणा में पंच और सरपंचों को सस्पेंड करने का अधिकार जो आप लोगों ने सरकारी कर्मचारी डीसी को दिया हुआ है, उसको खत्म करें, क्योंकि इससे लोकतंत्र की का असली गला घोटा जा रहा है। अगर करना है तो नियत साफ है तो आप लोगों की। शमशेर जी, अभी से हमें दिखने लगा कि आप कानून, जिस कानून की बात कर रहे हैं, वो शांति से बनने तो नहीं जा रहा। ऐसे में वो क्या जवाब दाखिल होगा और कब तारीख आएगी हमारे सामने क्लियर हो गया? हाँ, जिस आप सहमति की बात कर रहे थे विधानसभा और कानून से पहले सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे थे, विधानसभा में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किसकी नियत में कितना खोट है, कौन प्रजातंत्र का गड़ा घोटना चाहता है, कौन नहीं घोटना चाहता, कौन ये कानून बनाने के समर्थन में आएगा और कौन विरोध में आएगा, ये स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ये कानून बनाने के लिए पंचायत चुनाव समय बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बलराज सिंह मलिक जी, सुधीर चौधरी जी, दिनेश अग्रवाल जी, शमशेर खरकड़ा जी, कैप्टन अजय यादव जी, अनिल आर्य जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूरा मामला बहुत उलझ गया है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक करके सहमति की बात की जा रही है, अगर सर्वदलीय बैठक होती है तो विपक्ष भी तैयार बैठा है कि हमें किन तर्कों के साथ जाना है। ऐसे में कानून कैसे बनेगा और कानून बना के सरकार क्या कोर्ट में रखने जा रही है, मामला उलझा हुआ दिखता है। चुनाव फिलहाल तो टला हुआ है, सरकार की प्रतिबद्धता और कोशिश कितनी जल्दी चुनाव को करवाते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना है। बहुत दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।